सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली एक और वीडियो, ये वीडियो 11th क्लास की बहुत ही प्यारी वीडियो है। इस वीडियो का नाम है लैंडस्केप द सोल। ये वीडियो प्रॉपर डिपेंड है किस पे? प्रॉपर डिपेंड है ब्यूटी पे, पेंटिंग पे। मज़ा आएगा। और ये वीडियो को मैंने एनिमेटेड किया है और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत 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 मज़ा आएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वही करते हैं, क्या कि वीडियो को लाइक मत कीजिए, जब वीडियो अच्छी लग जाए तब लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करके इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। बाय बाय। मेरा नाम है वु दाओ जी। मैं एक चित्रकार, एक पेंटर हूँ। मेरा जन्म 18th century में, 18th century में हुआ था। मेरी जिंदगी का अंतिम चित्र एक प्राकृतिक चित्र था, एक नेचुरल ड्राइंग थी, जिसे बनाने का काम मुझे टैंग वंश के सम्राट ज़ियांगज़ोंग ने अपने महल के एक दीवार को सजाने के लिए सौंपा था। मैंने अपनी उस पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छुपा दिया था ताकि सिर्फ सम्राट ही उसे देख सके। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है। इसमें ये कितने ब्यूटीफुल फॉरेस्ट हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, फाउंटेन्स हैं, ओए होए होए होए, आसमान भी कितना साफ है। पहाड़ी के रास्ते पे चलते हुए आदमी, उड़ते हुए पक्षी, बहुत ही सुंदर। अरे वाह, मजा आ गया भाई, मौज कर दी। देखिए महाराज, पहाड़ के दामन में स्थित इस गुफा में एक आत्मा निवास करती है। मैंने फिर अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उस पेंटिंग का गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नज़ारा बहुत ही वैभवशाली है सम्राट, मज़ा आ जाएगा आपको। इतना वैभवशाली है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक काम कीजिए, आइए महाराज मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस पेंटिंग के अंदर का वो नज़ारा। लेकिन महाराज मुझे आगे चलने दीजिएगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा। मैं गुफा के अंदर प्रवेश करता हूँ और अंदर घुसते ही मैं अपने गुफा के दरवाजे को बंद कर देता हूँ। अरे ये क्या, ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? और वो दरवाजा गायब कहाँ हो गया? और देखो, पेंटिंग भी गायब हो गई। इसके बाद मैंने उस पेंटिंग को कभी नहीं देखा और ना उस चित्रकार को कभी देखा। वो पेंटिंग, वो चित्रकार दोनों ही गायब हो गए। इस टाइप की स्टोरी पूरे चीन की प्राचीन शिष्य प्रणाली में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये विद्यार्थियों को सही दिशाएं दिखाने और उनके साथ साथ कला के प्रति प्रेम की भावना जगाने का काम करती है। एक बार की बात है, 15th century में बेल्जियम में एक शहर था। वहां एक लोहार रहा करता था, विवेतीम, यानी मैं। मुझे एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो जाता है। लेकिन भाई साहब, मेरे ससुर जी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी के शादी एक ऐसे लोहार से हो। वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी एक चित्रकार से शादी करे। इसलिए मैं एक बार अपने ससुर जी के स्टूडियो में चुपके से चला जाता हूँ और अपने ससुर जी की पेंटिंग के ऊपर मैंने एक मक्खी बना दी। जब ससुर जी ने उसे देखा तो उसे लगा कि ये रियल मक्खी है और लगे वो उसे उड़ाने। परंतु उनको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे, ये तो पेंटिंग है। और फिर मैंने हीरो के माफिक स्टूडियो में एंट्री मारी और कहा, ससुर जी सुनो, ससुर जी ये पेंटिंग हमने बनाई है और ये एक पेंटिंग है, समझ रहे हो, अब तो मेरी शादी करवा दो। और फिर क्या, मेरी शादी उसकी बेटी से हो गई। तो गाइस, दोनों स्टोरी में कला के बारे में बता रखा है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों कहानियों में कला की एक अलग अलग चित्रण प्रस्तुत कर रखा है। चीन वाली स्टोरी में सम्राट उस चित्र की बाहरी रूप से प्रशंसा करते हैं, और वैसे भी सम्राट बाहरी रूप से प्रशंसा तो कर सकता है, लेकिन पेंटिंग के अंदर की गुफा का रास्ता सिर्फ एक चित्रकार बता सकता है। एक पुरानी चीनी पेंटिंग का रियल मोटिव ये नहीं होता था कि वो एक रियल इमेज दिखाएं, परंतु जो वेस्टर्न ड्राइंगर्स थे, पेंटर्स थे, उनका रियल मोटिव होता था कि वो रियल इमेज को दिखाने की कोशिश करें। एक यूरोपीय कलाकार चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार ले लें और उसकी
हाथ से बनाई गई पेंटिंग को उसी ढंग से देखें जिस ढंग से चित्रकार ने बनाई है, परंतु एक चीनी चित्रकार ये नहीं चाहता। आप उसकी पेंटिंग को अपनी आंखों से देखिए और उसकी पेंटिंग में अपने तरीके से खो जाइए। चीनी चित्रकार ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें, वो तो ये चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें और आप उसकी पेंटिंग को अपनी आत्मा के मन से देखें। ऐसे चैप्टर का नाम भी है लैंडस्केप ऑफ द सोल, कि जो लैंडस्केप है ना ये वो आत्मा से देखो आप, ये आपकी आंखों के लिए बनाई नहीं है। वैसे लैंडस्केप चीनी भाषा में यांग इन कहलाता है। यांग का मतलब होता है माउंटेन्स और यिन का मतलब होता है पानी। पर्वत हमेशा आकाश की तरफ रहता है, स्थिर कठोर हार्ड। पानी हमेशा भूमि पर रहता है, समतल पर रहता है, नरम तरल। यांग एक पुल्लिंग शब्द है, यिन एक स्त्रीलिंग शब्द है, और आकाश और पानी के बीच में जो जगह है उसे कहते हैं खालीपन। समझ में नहीं आया ना, एक बार समझाता हूँ। जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे हम सांस रोकते हैं, बस जहाँ पे हम सांस रोकते हैं उसे कहते हैं खालीपन, वो है वो शांति। स्वर्ग और नर्क के बीच में भी ये खालीपन है जिसे हम धरती कहते हैं। और अगर आप अपना काम अच्छा करते रहें करते रहें करते रहें तो आप इस खालीपन से ऊपर निकल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हार्ड और सॉफ्ट के बीच में अगर आप अच्छा काम करें तो आप इस जिंदगी की मोह माया से बाहर निकल सकते हैं। तो वहाँ की पेंटिंग यही दिखाती है। सम्राट जो है वो बाहरी चीज़ों की प्रशंसा कर रहा है कि यार इसमें ये अच्छा है, यार इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, लेकिन जो चित्रकार है वो कहते हैं महाराज आपने अंदर की चीज़ तो देखी नहीं, ये कठोर और समतल चीज़ें मत दिखाओ, अंदर की चीज़ देखो। अंदर चीज़ क्या है? गुफा के अंदर जाओ, इन अ सेंस अपने आत्मा के अंदर जाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेंटिंग्स तीन प्रकार की होती हैं, एक आर्ट ब्रूट, एक रॉ आर्ट और एक आउटसाइडर आर्ट। जो पहले पेंटर्स हैं इन्हें कलाकार कहलाने का कोई हक नहीं, इन्होंने कलाकारी सीखी नहीं है, बस ये बना देते हैं जो बनाना हो। रॉ आर्ट, ये लोग ब्रश का यूज़ नहीं करते, बल्कि ये तो खराब चीज़ों से काम चला लेते हैं, जो किसी भी चीज़ से, किसी भी रफ चीज़ से जो है पेंटिंग कर लें, उसे कहते हैं रॉ आर्टिस्ट। आउटसाइडर आर्ट, हमारे भारत में एक इंसान है जिसका नाम है नेक चंद, जो 1924 में पैदा हुए थे और 2015 में मर गए। उन्होंने चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन को स्वर्ग में बदल दिया। हैं? एक गार्डन को स्वर्ग में कैसे बदल दिया? उन्होंने कुछ साल पहले जंगलों को साफ किया और पत्थरों को टूटी फूटी चीजों से एक शानदार बगीचा बना दिया, शानदार बाग, और इसे कहते हैं आउटसाइडर आर्ट। तो सर चैप्टर यहीं खत्म है, लेकिन अगर एक एनालाइज किया जाए कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, तो क्या चैप्टर ये कहना चाह रहा है कि जिंदगी भी एक पेंटिंग है, जिंदगी भी एक कला के रूप में है। आप डिपेंड करता है कि आप पेंटिंग को किस रूप से देखते हैं। मतलब क्या है कि आप बाहरी आंखों से देखते हैं, बाहरी चीज़ों से देखते हैं, बाहरी मटेरियल, बाहरी चीज़ें कुछ नहीं होती जिंदगी में। आप इंटरनल चीज़ों को देखिए, आप इंटरनल फोकस कीजिए, आप गुफा के अंदर जाके देखिए, ठीक है, ये सब चीज़ों पर बात कर रखी है। उसने बोल रखा है कि लाइफ में जो खालीपन है उसे भरने की कोशिश कीजिए, लाइफ में अच्छे अच्छे काम कीजिए, ठीक है, और अपने लाइफ को एक आउटसाइडर आर्ट के रूप में या एक रॉ आर्ट के रूप में बदलने की कोशिश कीजिए, कि जो खराब चीज़ों से भी, जो बेकार चीज़ों को भी खूबसूरत बना दे। तो जिंदगी का मोटिव क्या है? जिंदगी का मोटिव एक पेंटिंग है जिसे आप अभी ड्राइंग कर रहे हैं, जो भी जिंदगी में आप कर रहे हैं, इन द सेंस आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। किसकी? अपने लाइफ की। अब आप ये देखिए कि आप अपने पेंटिंग में आउटसाइडर्स चीज़ों को ज़्यादा मोटिव देते हैं कि अरे मेरे पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, या आप इनर फीलिंग को ज़्यादा मोटिव देते हैं, इन द सेंस आप पहाड़ और पानी के बीच कि जो जगह है खाली पर उसे भरते हैं या पहाड़ और पानी के बीच में रह जाते हैं। यही था चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आई होप इस चैप्टर को इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैंने बताया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब तो लाइक कर दो यार, अब तो पसंद आ गया। और सुनो यार, नया नया चैनल है, नया नया सपोर्ट है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करो इसका अगर नोट्स चाहिए हो तो। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।